आप देख रहे हैं लाइव भारत न्यूज। सुंदरवन के पक्षियों को बचाने के लिए मैनग्रोव पेड़ों में कृत्रिम घोंसला बनाने की योजना। सुंदरवन जिले के मनरेगा कार्यालय के माध्यम से सुंदरवन में नदी के किनारे आम के पेड़ों में कृत्रिम पक्षी घोंसला बनाने का काम चल रहा है। सुंदरवन क्षेत्र के छोटा मोल्ला खाली में ग्राम पंचायत की तरफ से पक्षियों के लिए 500 घर बनाए गए हैं। आपको बताते चले कि 20 मई 2020 को आए तूफान अम्फान में कई पक्षियों के घर तबाह हो गए, अनगिनत अंडे नष्ट हो गए और नवजात पक्षियों की मौत हो गई, जिसके तहत पक्षियों के लिए कृत्रिम घोंसले बनाने का कार्यक्रम किया जा रहा है। ऐसी ही एक परियोजना सुंदरवन जिले के मनरेगा कार्यालय के माध्यम से सुंदरवन नदी के किनारे आम के पेड़ों में कृत्रिम पक्षी घोंसला बनाने का काम चल रहा है। अपना ग्रामवासीरा मन दिए सुनुन, छोटा मोल्ला खाली ग्राम पंचायत सौजन्ये पाखी बाचाओ आंदोलने आमरा सबाई नेमेछि सहयोगिता करार जन्य। गाचे गाचे पाखी बासा बाँधबे, प्रकृति नियमे भारसाम्य रक्षार जन्य এই পাখি বাঁচাও আন্দোলনে আমরা গ্রামবাসী সামিল হয়েছি। সৌজন্যে ছোট মোল্লাখালি গ্রাম প্রধান, গ্রাম পঞ্চায়েত এবং গ্রামবাসী সবার সহযোগিতা নিয়ে আমরা দলিত দলবদ্ধভাবে মায়েদেরকে সঙ্গে নিয়ে, স্থানীয় গ্রামবাসী পঞ্চায়েত প্রধানদের সঙ্গে নিয়ে পাখি বাঁচাও আন্দোলনে সামিল হয়েছি। জীব বৈচিত্র্যের ভারসাম্য রক্ষা, প্রকৃতি রক্ষার জন্য যেমন আমরা পূর্বে ম্যানগ্রোভ লাগিয়েছি নদী বাঁধ রক্ষার জন্য, তেমন পাখি বাঁচাও আন্দোলনে সামিল হয়েছি। পাখি বাঁচাও আন্দোলন, এই পাখি বাঁচাও আন্দোলনে নেতৃত্ব দিচ্ছেন ছোট মোল্লাখালি গ্রাম প্রধান পঞ্চায়েত থেকে। এই আন্দোলনে আপনারাও আমাদের সঙ্গে সহযোগিতা করুন। সমস্ত গ্রামবাসীরা অঞ্চল প্রধানের সহযোগিতায় ছোট মোল্লাখালি আমরা পাখি বাঁচাও আন্দোলনে সহযোগিতা করছি। তমাম খবরো কে লিয়ে হামারে সাথ বনে রহে লাইভ ভারত নিউজ মে।